माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज 11 की अपडेट सुन के सभी पीसी यूजर्स के कानों में खुशी की लहर दौड़ी होगी कि चलो कोई नई विंडो तो चलाने को मिलेगी, लेकिन ये खुशी में थोड़ी सी खलल इनकी रिक्वायरमेंट ने डाल के रख दी है। दरअसल अगर आप अभी भी विंडोज 7 के एरा में जी रहे हो और वो चला रहे हो तो भाई सोचना भी मत कि विंडोज 11 आपके पीसी में चलेगी, क्या हिलेगी भी। हालांकि रिक्वायरमेंट बहुत कम है, 4 GB रैम चाहिए, 64 GB की स्टोरेज चाहिए, डाल लो पीसी में चल जाएगी, लेकिन जो रिक्वायरमेंट है ना वो अच्छे अच्छे पीसीओ को पसीने छुड़वा रही है। दरअसल यहाँ पर चाहिए TPM 2.0 की चिप आपकी मदरबोर्ड के अंदर, नहीं है तो TPM कार्ड भी लगा के चला सकते हो, चलो वो बात अलग है। यहीं पर UEFI फर्मवेयर चाहिए, वो भी सिक्योर बूट के साथ में, वो कैपेबिलिटी अगर आपके पीसी के अंदर नहीं है तो भी आप विंडोज 11 नहीं चला सकते। और अगर आप थोड़े बहुत कंफ्यूज हो रहे हो कि यार ये सारी चीज़ों का मैं पता कैसे लगाऊं, सो सिंपली आपको माइक्रोसॉफ्ट के फ्री पीसी हेल्थ चेक ऐप को डाउनलोड कर लेना चाहिए और उसके बाद में देखना चाहिए कि क्या आपका पीसी इतना हिम्मत वाला है कि विंडोज 11 को चला पाएगा। ये तुरंत ही बता देगा कि भाई ये कमी है आपके पीसी के अंदर, इस वजह से वो नहीं चल पाएगी। सो यहाँ पर जो थोड़े बहुत टेक्निकल साउंड बंदे नहीं है वो इसको डाउनलोड करके चेक कर सकते हो कि चलेगी या नहीं चलेगी। ज्यादातर के पीसी में जिनको विंडोज 7 चलाने की आदत लगी हुई है, भूल जाना उनके में तो बिल्कुल भी नहीं चलने वाली, क्योंकि वो बहुत पुराना एरा है। और यहां तक कि जो विंडोज 10 भी चला रहे हैं ना, उन तक के पीसी में ये फ्री पीसी हेल्थ चेक ऐप बता रहा है कि भाई कंपेटिबल नहीं है, ये चीज की कमी है। ज्यादातर TPM वर्जन 2.0 की दिक्कत आ रही है कि अगर 2.0 नहीं है तो भी वो बेचारे हाथ मल के रह जाएंगे या फिर TPM कार्ड ही खरीदेंगे, फिर एक छोटा सा आता है वो लगा देंगे मदरबोर्ड में तो फिर आ जाएगा कि हाँ भाई सपोर्टेड है। हालांकि अच्छी बात यह है कि जिन लोगों ने जेन्युइन विंडोज खरीद रखी है तो उनकी फ्री में अपडेट हो जाएगी। सो यहाँ पर अगर आप विंडोज 7 चला रहे हो या विंडोज 10 चला रहे हो और कंपेटिबल है आपका पीसी, तो आपको विंडोज 11 की अपडेट मिल जाएगी, जिससे आपका पीसी डायरेक्टली विंडोज 11 में ही कन्वर्ट हो जाएगा। हालांकि अभी भी ये बीटा फेज में है और रोल आउट होने में काफी ज्यादा टाइम लग सकता है। 2021 के एंड में या फिर 2022 की शुरुआत में आपको फ्री में विंडोज 11 की अपडेट मिल जाएगी, अगर आपके पास में जेन्युइन विंडोज और अगर आपका पीसी कंपेटेबल है तो। लेकिन अब आती है बात आपके दिमाग में, क्या मुझे विंडोज 10 से विंडोज 11 में जाना चाहिए? सो भाई आपकी मर्जी है, अगर आपको विंडोज 10 में ही मज़ा आ रहा है तो विंडोज 10 में ही रहना, क्योंकि 2025 तक इसकी भी आपको अपडेट फ्रिक्वेंटली मिलती रहेगी। और जिनका पीसी कंपेटिबल नहीं है उनको भी रोने की जरूरत नहीं है, 2025 तक तो आप मे बी दो पीसी बदल लो या फिर इसको तो अपग्रेड कर ही लोगे, ऐसा तो कर ही सकते हो। अब डिफरेंस की बात कर लेते हैं विंडोज 10 और विंडोज 11 के अंदर, तो यहाँ पर विंडोज 11 का स्टार्ट मेन्यू और टास्क बार बिल्कुल ही अलग है विंडोज 10 के मुकाबले में। हालांकि बेस्ट विंडोज 10 का ही है और यहां पर मैक ओएस या क्रोम ओएस के जैसा लुक लाने की कोशिश की गई है, सारी की सारी चीजें सेंटर में लाने की कोशिश की गई है, जो नीचे ये जो टास्क बार होता है उसके अंदर। और इसी के अंदर आपको जो आप सबसे ज्यादा एप्लीकेशन यूज कर रहे हो वो रेकमेंड कर दी जाएगी, या फिर जो भी फाइलें वगैरह खोल रहे हो सबसे ज्यादा या फोल्डर खोल रहे हो वो आपको दिखने लग जाएगा, जो कि कई सारी चिंता की बात भी है उन लोगों के लिए जो कि इधर उधर वाले फोल्डर जो बहुत छुपा के रखते हैं वो नहीं दिखाना चाहते इसके अंदर। हालांकि ऑप्शन फिर भी होगा उसको हाइड करने का। और लाइव टाइल्स इसमें रिमूव कर दी गई है, जैसे कि विंडोज 10 में लाइव टाइल्स हुआ करती थी वो रिमूव कर दी गई है, और कॉर्टेना का भी सपोर्ट इसमें से हटा दिया गया। अगर चाहिए किसी को तो उसके लिए एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी अलग से विंडोज 11 के अंदर। हालांकि कई सारे लोगों को विंडोज 10 की ही आदत होगी तो उनको ये जो स्टार्ट मेन्यू है वो अच्छा नहीं लग रहा होगा, या फिर विंडोज का वो आइकन है वो अच्छा नहीं लग रहा होगा सेंटर में, तो उसको लेफ्ट भी किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है, ऑप्शन है यहाँ पे। अगर आप विंडोज 10 वाला ही लुक थोड़ा बहुत लाना चाहते हो तो वो हो जाएगा, लेफ्ट में चले जाएगा जो भी ये टास्क बार के अंदर सेंटर में आया हुआ। हालांकि विंडोज 11 को मल्टीपल डिस्प्ले के लिए बनाया गया है, ताकि जिनके पास में 2-3 डिस्प्ले मौजूद हैं वो उनका यूज करते हैं और सही से करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। क्योंकि हमारा जो विंडोज 10 है उसके अंदर जब हम आइकॉन वगैरह या फिर फाइलें वगैरह कहीं पर डाल देते हैं किसी और मॉनिटर में, लेकिन बाद में रिबूट करने के बाद में देखते हैं यार वो तो प्राइमरी मॉनिटर में ही आ गई है, सो बार बार उसको सेट करना पड़ता है, तो इस चीज़ को भी उन्होंने टैकल किया और इसको हमेशा के लिए फिक्स कर दिया। जहाँ पर भी जो भी चीज़ें आप सेट करोगे वो अब वहीं पर ही रहने वाली है आपके डिजायर्ड मॉनिटर के ऊपर। और यहीं पर विंडोज 11 के अंदर टैबलेट मोड भी मौजूद है, जो कि टच स्क्रीन वाले जो कि लैपटॉप यूज़ किया करते हैं लोग उनके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। और खास बात ये रहेगी यहाँ पर कि एंड्रॉयड ऐप्स को भी सपोर्ट मिलेगा विंडोज 11 के
अंदर तो यहाँ पर एमुलेटर कंपनीज की छुट्टी होने वाली है, जो भी एमुलेटर के थ्रू आप गेम वगैरह खेला करते थे, सो वो आप विंडोज 11 के अंदर ऐसे ही डायरेक्टली खेल सकते हो। हालांकि यहाँ पर अमेजोन स्टोर पे जो एप्स आपको मिलेंगी या गेम्स आपको मिलेंगी उसी को सपोर्ट देगा माइक्रोसॉफ्ट का ये विंडोज 11, तो देखना पड़ेगा क्या होता है। हालांकि जुगाड़बाजी तो निकल ही जाती है आगे चल के, और गेमर के लिए अच्छी बात ये रहेगी विंडोज 11 आपके गेम के विजुअल्स को काफी ज्यादा अच्छा कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर ऑटो HDR भी मौजूद है और डायरेक्ट स्टोरेज भी मौजूद है, जो कि आपकी गेम की लोडिंग की स्पीड को काफी ज्यादा फास्ट कर सकती है। तो ये कुछ चेंजेस है विंडोज 10 से विंडोज 11 के अंदर किए गए, और कई सारी एप्लीकेशन भी रिमूव की गई है जो कि लोग यूज नहीं कर रहे थे, बस अननेसेसरीली पड़ी हुई थी विंडोज 10 के अंदर, तो विंडोज 11 में उनको भी रिमूव कर दिया गया है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही है कि विंडोज 11 के जो सपने देख रहे हो वो अच्छे हैं, देखने चाहिए, लेकिन पीसी अगर पुराना है तो ये तो बिल्कुल ही मतलब कह दिया है कि भाई तुम्हारे बस की बात नहीं है। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और विंडोज 10 भी बुरी नहीं है, हम भी विंडोज 10 ही चला रहे हैं, तो देखते हैं 2021 के एंड या 2022 के एंड में जब स्टेबल वर्जन आएगा तभी देखेंगे विंडोज 11 को। फिलहाल के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही है, और इसी तरीके की और भी वीडियो देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने वीडियो डाली भी है।